नमस्कार, मैं राजेंद्र बंसल, वास्तु सलाहकार। आप सभी को जुम्बा क्लासेस के बारे में जानकारी देना चाहूँगा, लेकिन मैं इससे पहले आप सभी दर्शकों का, क्योंकि आप सभी ने मेरी अपनी YouTube पर वीडियोस देखी हैं और आपने पसंद की, इसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमेशा की तरह आज फिर आपको एक और टॉपिक पर बताना चाहूँगा, जो मैं बताने जा रहा हूँ, जुम्बा क्लासेस के बारे में बताने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास एक इंक्वायरी आई है। उस इंक्वायरी में उन्होंने अपने यहाँ पर जो सेटअप बनाया है, उनका अपना नॉर्थ फेसिंग है, नॉर्थ फेसिंग में उनके अपने यहाँ पर अंदर आने का जो दरवाज़ा उन्होंने बनाया है, वो नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ से नॉर्थ वेस्ट में दरवाज़ा बनाया है। और उन्होंने अपने यहाँ पर सेटअप जो बनाया है, ये उनकी अपनी टेबल है, चेयर है, सामने कस्टमर चेयर है, विजिटर चेयर है। यहाँ उन्होंने अपना कंप्यूटर सिस्टम लगा रखा है, इसी के साथ में यहाँ पर उन्होंने अपना अंदर म्यूजिक सिस्टम रखा हुआ है। उनके अपने यहाँ पर साउथ में बालकनी पड़ती है, बालकनी का फर्स्ट लेवल अंदर के फर्स्ट लेवल से साउथ में नीचे है, और इसी के साथ साथ साउथ में कंप्लीट यहाँ पर ये ग्लासेज लगे हुए हैं, ये ग्लासेज ओपन रहते हैं। तो मैं आपको जो सलाह देने जा रहा हूँ, आपने सबसे पहले काम क्या करना है, ये जो ग्लासेज लगे हुए हैं, इन ग्लासेज को पर्दे के द्वारा ढकना है। पर्दे कौन से कलर के होने चाहिए? रेड कलर, पिंक कलर, ब्राउन कलर, ऑरेंज ब्राउन। कौन सा कलर? रेड, पिंक, ऑरेंज, ब्राउन। और थिक कलर के पर्दे होने चाहिए, यहाँ से रोशनी कम से कम आए। इसी के साथ में जो आपका अपना अंदर आने का जो रास्ता है, दरवाज़ा है, दरवाज़ा तो चेंज नहीं हो सकता, तो आपने अपने यहाँ पर ईस्ट वॉल पे ये कंप्लीट लुकिंग मिरर भी लगा रखा है, ये आपने बहुत बढ़िया, गुड। और इसी के साथ में जो आपने अपने यहाँ पर ये म्यूजिक सिस्टम रखा हुआ है, इस सिस्टम को नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर से हटा करके आपने साउथ साउथ ईस्ट में रखना है। इससे आपके अपने यहाँ पर फुटफॉल बहुत अच्छा आ जाएगा। इसी के साथ आपके अपने यहाँ पर आपकी जो सिटिंग बनती है वो फेसिंग वेस्ट बनती है। आपके अपने यहाँ पर सीटिंग के लिए स्पेस यदि अच्छा है, तो मैं आपको एक सलाह दूंगा, आप अपनी चेयर को यहाँ, मैं आपका सेटअप अलग से बना के दिखा देता हूँ कैसे होना चाहिए। चेयर विजिटर्स, यहाँ आपका अपना मंदिर आना चाहिए। मंदिर आपने यहाँ बनाया हुआ है, मंदिर आपका यहाँ भी सही है, मंदिर को लेके दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी अपनी जो टेबल आपने लगा रखी है, ये टेबल आपने गलत लगा रखी है। ये टेबल आपकी अपनी, इस तरीके से आप टेबल लगा लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, किसी कारण से इस तरीके से टेबल नहीं लगा सकते, तो मैं आपको कहूँगा आप अपने यहाँ पर आप अपनी टेबल इस तरीके से टेबल लगाएं। यहाँ आपका अपना कंप्यूटर आ जाएगा, सिस्टम आ जाएगा आपका अपना, यहाँ आपकी अपनी मॉनिटर स्क्रीन आ जाएगी। इस तरीके से आप अपने यहाँ पर सेटअप करते हैं, तो मेरा अपना ये मानना है आपको बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त हो जाएंगे। इसी के साथ एक बात और कहूँगा मैं आपको, आपने अपने यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में, यहाँ अंदर डांस क्लासेज वाले रूम में, जुम्बा क्लासेज वाले रूम में भी, इस एरिया में भी एक फाउंटेन लगाना है, और आपने यहाँ पर भी एक फाउंटेन ज़रूर लगाना है। यदि आप यहाँ भी दो फाउंटेन लगाने हैं, एक नॉर्थ ईस्ट में फाउंटेन लगाना है, एक ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में फाउंटेन लगाना है, आप दो फाउंटेन लगाने हैं, और पानी आप समय समय पर
ज़रूर बदलते रहें। इसी के साथ मेडिकल स्टोर से पानी के अंदर डालने की टैबलेट्स आजकल आती हैं जिससे कि मच्छर पैदा नहीं हो, तो पानी भी बदलते रहना है और साथ में टैबलेट आपको इजीली अवेलेबल हो जाए, मिल जाए तो टैबलेट भी ज़रूर आपने डालनी है। इसके साथ साथ फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपने यहाँ पर रेड कलर के, ऑरेंज कलर के या पिंक कलर के, ऑरेंज ब्राउन कलर के कर्टन्स थिक वाले ज़रूर लगाने हैं और साइज में बिग साइज बड़े साइज के लगाने हैं, सीलिंग के साथ टच करके फ्लोर के नीचे तक पर्दे ज़रूर लगाने हैं। इसके साथ साथ मैं एक बात और कहूँगा आपको, आपने अपने यहाँ पर साउथ वेस्ट में एक चेयर ज़रूर रखनी है, ओनली चेयर। इस चेयर पर आपकी अपनी सीटिंग होनी चाहिए, कभी कभी आप इस चेयर पर ज़रूर बैठें। इसके साथ जो ट्रेनर आपके यहाँ क्लासेस ले रहा होता है उसकी अपनी सीटिंग यहाँ पर आ सकती है। आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी से बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त हो जाएंगे। हाँ, एक बात और बता रहा हूँ मैं आपको, आप अपने यहाँ पर ईस्ट वॉल पर 2x2 का 2x3 का एक लुकिंग मिरर ज़रूर लगाएं, कहाँ पर, जहाँ आपकी अपनी सीटिंग आ रही है, इससे भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त हो जाएंगे। अगले प्रोग्राम में एक बार फिर एक और नए विषय पर चर्चा करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।